दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे स्विमिंग पूल लेकर आया हूँ जो इतने शानदार है कि आपका मन उनमें तैरने का करने लगेगा। वहीं कुछ ऐसे डरावने हैं जिनके नजदीक जाने से पहले आप 1000 बार सोचोगे। स्मिथ विच बाथ। अगर आप स्विमिंग करते समय भूतिया घटनाओं को महसूस करना चाहते हो तो इंग्लैंड में मौजूद ये स्विमिंग पूल आपके लिए सही जगह है। काफी सारे लोग तो यहाँ पर भूतों से बात करने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन अगर आप बहादुर हो तो इस डरावने स्विमिंग पूल में आपको तैरना काफी रोमांचक लगेगा। लेकिन हो सकता है कि उस समय आपके पास या तो कोई भूत हो या फिर भूतों को खोजने वाले लोग जो अपने इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर घूमते हुए दिख जाएंगे। होमस्टेड कैलडेरा। उत्था में मौजूद इस स्विमिंग पूल में ना सिर्फ तैरने में मजा आता है बल्कि इसके अंदर का पानी शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, जिसे साल 1996 में लोगों के लिए खोल दिया गया था, जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा बनाया गया है जो यहाँ पर हजारों सालों से मौजूद है, जिसका पानी नॉर्मल से थोड़ा गर्म होता है, हालांकि इसकी गहराई काफी ज्यादा है। जेलीफिश लेक। पहाड़ों में मौजूद इस लेक में करीब 2 मिलियन जेलीफिश का घर है, जिसका पानी तो काफी साफ है, लेकिन जब आप इस झील में कूदोगे तो आपको हर तरफ सिर्फ जेलीफिश ही दिखाई देगी, जैसा कि दुनिया में कहीं और नहीं है। यहाँ पर जेलीफिश की तादाद बढ़ने का कारण यहाँ पर किसी और दुश्मन जानवर का ना होना माना जाता है। इस झील के अंदर अगर आप फोटो लेते हो और उसे अपने दोस्तों को दिखाते हो तो वो जरूर सरप्राइज हो जाएंगे। मार्केट स्क्वायर टावर। ये काफी कमाल का स्विमिंग पूल है जो 40 मंजिला इमारत पर बना है, जिसकी खास बात यह है कि ये बिल्डिंग से कुछ बाहर हवा में लटका हुआ है, जिसमें तैरते समय ऐसा लगता है जैसे आप हवा में तैर रहे हो। हालांकि कमजोर दिल वाले लोग इसमें जाने से काफी डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने डर को हराकर इसके अंदर तैरने चले जाते हैं। सर्फ लेक। ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पर तैरने के साथ साथ आप सर्फिंग का भी मजा ले सकते हो, जिसकी खास बात यह है कि ये आर्टिफिशियल होने की वजह से इसके सिर्फ एक तरफ ही नहीं बल्कि चारों तरफ लहरें बनती है, जो उन लोगों के लिए ट्रेनिंग करने के काम आता है जिन्हें समुद्र में सर्फिंग करने से डर लगता है। इसके बीच में एक विशाल आर्टिफिशियल मशीन लगाई गई है जो प्रेशर के साथ पानी में गिरती है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो जाती है। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।